नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और अगले 3 महीने कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान मौसम विभाग पहले से ही जारी कर चुका है। तो हमारे जितने भी बागवानी करने वाले दोस्त हैं, उनको काफ़ी सारे डाउट इस समय हो सकते हैं अपने ज़मीन में लगाए हुए पौधों को लेकर। तो उन सभी बागवानी करने वाले दोस्तों की मदद के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में आज आपको बताऊँगा कि ज़मीन में लगाए हुए पौधों की देखभाल आप सर्दी के मौसम में कैसे कर सकते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिए, वरना हो सकता है कि कोई काम की अच्छी जानकारी आप मिस कर दे। पूरा वीडियो 4 अलग अलग हिस्सों में हमने बनाया है, जिसमें कि पहले हिस्से में हम समझेंगे कि पौधों को ठंड से हम कैसे बचा सकते हैं। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इस सर्दियों के मौसम में आप अपने पौधों में खाद दें या नहीं दें, अगर दें तो कौन सी खाद आप दे सकते हैं। तीसरे हिस्से में हम समझेंगे कि पानी कब और कितना दें सर्दियों के मौसम में आप अपने पौधों में। और चौथे हिस्से में हम समझेंगे कि कटाई छटाई आप अपने पौधों की कब करें, सर्दियों में करें या किसी और समय आपको करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी टॉपिक के बारे में, वो है कि सर्दियों में आप अपने पौधों को ठंड से कैसे बचाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो 10 दिसंबर तक आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पौधे के आसपास 3 से 4 फीट की गुड़ाई के अंदर इस तरह की गहरी गुड़ाई एक बार जरूर कर लीजिए और धूप जो है मिट्टी को लगने दीजिए। 3-4 दिन तक मिट्टी को अच्छे से सूखने दीजिए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये आखिरी समय है जब सूरज की धूप सबसे ज़्यादा खिली होगी और मिट्टी जो है सुखाने के लिए बेस्ट समय है ये, वरना बाद में जो है फंगस या फफूंदी की इस तरह की समस्याएँ आपके पौधे में पैदा हो सकती है। गुड़ाई करने के बाद 3-4 दिन तक किसी तरह का पानी मत दीजिए, मिट्टी को अच्छे से सूखने दीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये जो 3-4 फीट का एरिया जो मैंने बताया पौधे के आसपास का, इसमें आपको मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग देखिए कुछ भी नहीं है, आप ऑर्गेनिक मटेरियल कोई भी लीजिए, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर सूखी पत्तियां ही आप ले लीजिए और 3-4 फीट के इस एरिया में एक लेयर, एक परत आपको चढ़ा देनी है पौधे के आसपास। ये मल्चिंग की लेयर दोस्तों इंसुलेशन का काम करेगी। जब भी पाला गिरेगा या जो है वातावरण का तापमान काफ़ी कम हो जाएगा, तो उस समय पौधे की जड़ों तक डायरेक्ट ठंड का प्रकोप ये मल्चिंग की लेयर नहीं पहुंचने देगी। दूसरा देखिए, एक पाला गिरने की वजह से एक और समस्या भी होती है, जो पत्तियां होती है पौधे की, पत्तियों के अंदर जो पानी होता है वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे, और इसकी वजह से पत्तियां जो है मरना शुरू हो जाती है पौधे की। तो इसके लिए आप पौधे के ऊपर आप कवर भी कर सकते हैं, चाहे तो प्लास्टिक शीट कोई ले लीजिए या ग्रीन नेट आजकल आ रहे हैं तो ग्रीन नेट की कवरिंग भी आप अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी हाइट का पौधा है जिस पर आप कवरिंग ना कर पाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पौधे के अंदर जरूरी हिस्सा होता है जड़। अगर जड़ जो है ठंड के प्रकोप से बच जाती है तो फरवरी मार्च में नई पत्तियां फिर से डेवलप हो जाती है पौधे के अंदर, और कुछ पत्तियाँ अगर सर्दियों में गिर भी जाती है तो ये इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ही छोटा पौधा है, जून जुलाई के महीने में इसी बारिश के सीज़न में अगर आपने लगाया है तो अगर आप कवर कर देते हैं ऊपर से तो और भी ज़्यादा अच्छा इसका परिणाम जो है आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन तरीकों की मदद से, चाहे वो मल्चिंग हो या फिर ग्रीन नेट से पौधे को ऊपर से कवर करना हो, इन सब तरीकों की मदद से सर्दियों में आप अपने पौधे को बड़ी आसानी से ठंड के प्रकोप से बचा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में आप अपने पौधों में खाद दें या ना दें, और खाद दें तो किस तरह की खाद आप अपने पौधों में सर्दियों में दे सकते हैं। इसको लेकर काफ़ी असमंजस हमारे बागवानी करने वाले दोस्तों के मन में रहता है। तो मैं सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों, पूरे सर्दी के मौसम दिसंबर और जनवरी खासकर 2 महीने आप किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र, चाहे वो NPK हो, DAP हो, इस तरह के फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में मत दीजिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र काफ़ी तेज़ी से असर दिखाते हैं और नई ग्रोथ पौधे के अंदर डेवलप करते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में किसी भी तरह की नई ग्रोथ सर्वाइव नहीं करती है, पौधा बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाता है, नई ग्रोथ रोक देता है पौधा अपने आप से। लेकिन आप केमिकल फर्टिलाइज़र देकर पौधे को फोर्स करते हैं कि उससे नई ग्रोथ निकले। जब पौधा इनएक्टिव होता है तो उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसके अंदर जो पहले से एनर्जी उसने स्टोर करके रखी हुई होती है, उसके सारे वो सर्दी के दो महीने या 3 महीने जो है सर्वाइव करता है। लेकिन हम वो पौधे की एनर्जी वेस्ट करा देते हैं नई ग्रोथ निकालने में। तो किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर तो बिल्कुल भी मत दीजिए, वरना आपके पौधों के लिए इसका बैड इंपैक्ट ही आपको मिलेगा। हाँ, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद की मल्चिंग आप अपने पौधे के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्लो एक्शन वाली खाद होती है। 2 से 3 महीने इनको लग जाते हैं पूरा मिट्टी में मिक्स होने में और जो इसके न्यूट्रिएंट है वो पौधे को मिलने में, और 2 से 3 महीने के बाद में सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी होती है और फरवरी का सीज़न शुरू हो जाता है। तो उस समय पौधे को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं नई ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये ग्रोथ का सीज़न होता है। तो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दिसंबर जनवरी में आप अपने पौधों में अगर ऐड करते हैं
तो इसके बड़े अच्छे परिणाम आपको बाद में फरवरी में देखने को मिलेंगे। तो आप मल्चिंग कीजिए, आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद की, इससे मल्चिंग के भी फायदे आपको आपके पौधे को मिलेंगे और जो न्यूट्रिएंट है फरवरी मार्च में वो पौधे को आराम से अवेलेबल हो जाएंगे और किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर भी बाद में आपको अपने पौधों में ऐड नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में ज़मीन में लगाए हुए आपके पौधों में पानी कब और कितना हमें देना है। तो शाम के समय भूलकर भी आप अपने पौधों के अंदर पानी मत दीजिए, क्योंकि शाम के समय दिया हुआ पानी से एक तो पहले से ही पौधे के आसपास की जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, उसके बाद पूरी रात ठंड पड़ेगी और पाला गिरता है तो पौधे की जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। सुबह 8 से 11 का टाइम सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके बाद में दोपहर की धूप जो निकलती है उसकी मदद से पौधे के आसपास की मिट्टी पूरा फिर से गर्म हो जाती है और नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने आ जाती है, तो रात की ठंड को बड़े आराम से पौधा सहन कर लेता है। दोस्तों आप अपने पौधे में पानी तभी दीजिए जब पौधे के आसपास की जो मिट्टी है वो ऊपर से 2 इंच पूरा एकदम से सूख गई हो, और कोशिश यही कीजिए कि दो बार पानी देने के बीच में एक बार आप अच्छे से गुड़ाई हर बार करें। इससे क्या होगा कि ऊपर की जो मिट्टी है आराम से सूख जाएगी और किसी तरह का एक्सेस मॉइस्चर या एक्सेस नमी जो है आपके पौधे के आसपास इकट्ठा नहीं होगी। वैसे तो दोस्तों हर पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि ऊपर की 2 इंच मिट्टी पौधे के आसपास की जब पूरा सूख चुकी हो तभी आप अगली बार पानी जो है अपने पौधे में दीजिए और एक्सेस नमी से अपने पौधे को सर्दी के मौसम में बचाइए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कटाई छटाई आपको अपने पौधों में कब करनी है। क्या सर्दियों के मौसम में आपको कटाई छटाई आपको करनी है, या प्रूनिंग अपने पौधे के अंदर करनी है, या सर्दियों के मौसम से पहले करनी है, या सर्दियों के मौसम के बाद में करनी है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सर्दियों के मौसम से पहले और सर्दियों के मौसम के दौरान कभी भी आप अपने पौधों के अंदर कटाई छटाई मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब जितनी भी तरह की कटाई छटाई पौधों के अंदर होती है वो पौधों को उत्साहित करती है नई ग्रोथ निकालने के लिए, और नई ग्रोथ के लिए मैंने पहले भी बताया कि सर्दियों में पौधे के अंदर अगर नई ग्रोथ आती है जितने भी परमानेंट पौधे जमीन में लगे हुए, तो वो पौधे के लिए फायदे की जगह नुकसान का ही काम करती है। फरवरी का महीना शुरू होते ही 10 फरवरी तक का समय जो है सबसे ज़्यादा सही रहता है कटाई छटाई या प्रूनिंग करने के लिए, क्योंकि इस समय जो है पौधे के अंदर नई ग्रोथ का मौसम शुरू हो जाता है और वसंत का समय शुरू होगा, तो जितनी भी नई ग्रोथ पौधे के अंदर निकलती है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा कटाई छटाई की वजह से, और नई ग्रोथ और भी ज़्यादा निकल के आएगी, नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ आपका पौधा कटाई छटाई की वजह से दिखाएगा। तो फरवरी 1 से 10 के बीच में सबसे सही समय रहेगा आप अपने परमानेंट पौधों में अगर कटाई छटाई करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोगों तक भी अच्छी जानकारी पहुंच पाए। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।